हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई सागर गर्ल, जस्ट MBA पास आउट फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी। जस्ट 10 दिन हुए घर पे, बहुत चिल लाइफ चल रही है, इतनी भी नहीं बट ठीक है। बहुत जन पूछ रहे थे कि यार आप इतने सारे वीडियोस बनाते हो, आपने क्या तोड़ा है, आपने क्या फोड़ा है अपनी लाइफ में। इन शॉर्ट, यू वॉन्टेड टू नो माई प्रोफाइल बिफोर ज्वाइनिंग ए बी स्कूल, सो हियर इज फॉर यू गाइज। सो मैंने मेरे जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, एंड इट्स नॉट एन आइडियल प्रोफाइल जिसका होता है कि नहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से करा है, सब कुछ एकदम स्मूथ एंड गॉट द एडमिशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नो, आई टुक थ्री कैट अटेम्प्ट्स टू एक्चुअली रीच अ टीयर टू और टीयर थ्री कॉलेज विच ओर यू सी इन निर्मा यूनिवर्सिटी, वो आप जो भी टैग देते हो। सो जर्नी स्टार्टेड 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स जो सब लोग इंपॉर्टेंटली पूछते हैं। सो आई एम फ्रॉम मुंबई, सो 10th आई डिड फ्रॉम डॉन बॉस्को, 82.62% ग्रेजुएशन, एंड 11th, 12th आई डिड इट फ्रॉम KG सोमाया कॉलेज। सो 11th, 12th कॉमर्स आई गॉट 82.92, एंड देन फॉर BMS ग्रेजुएशन आई गॉट 62.80। सो दिस इज वॉट डिसेंट सा, मतलब 60 के नीचे नहीं है तो इट्स गुड, आई मीन मार्क्स कहीं आप अटकते नहीं हो आगे जाके। सो सब लोग का होता है कि कोई ना कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिन्होंने MBA किया होता है, तो दे इंस्पायर देम टू डू MBA। काइंड ऑफ वैसा भी था मेरे पास, बट आई एक्चुअली स्टार्टेड माई MBA इन 2022, सो एंड आई पास आउट इन 2018। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में ख़त्म हो गया था। इट टू 4 years, बट आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट इन 2016। बट मैंने बोला कि मैंने लाइफ इस जर्नी में बहुत सारी मिस्टेक्स करी है, बट बिफोर टेलिंग यू द मिस्टेक फ्रॉम वेयर एक्चुअली दिस स्टार्टेड जर्नी स्टार्टेड। सो व्हेन आई वाज इन KG सोमाया, तो बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट में मैं पार्टिसिपेट करता था, नॉट जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर में तो मैं था ही, जैसे कि आई वाज HOD ऑफ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, एंड इवन आई लर्न स्क्वॉश। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैड एन इंक्लिनेशन टू अर्न वाइल यू आर ऑल्सो लर्निंग, बिकॉज कॉलेज ट्रिप्स जानी होती थी एंड घर से इतने पैसे नहीं देते थे ना, तो खुद कमाना पड़ता था, ऐसा था अंदर से। तो देर इज़ अ BTL बिलो द लाइन एडवर्टाइजिंग, तो जहाँ पे ब्रांड्स अपने ऑफलाइन इवेंट्स कराते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू सेल्स प्रमोशन, सैम्पलिंग, तो इस माध्यम के थ्रू दे वॉन्टेड टू प्रमोट। सो आई यूज टू वर्क एज अ प्रमोटर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर फॉर दिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। सो देर वॉज अ ब्रांड ग्रॉफर्स जो अभी ब्लिंकिट है, तो 2016 में व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर ग्रॉफर्स, तो वहाँ पे जो मैनेजर्स आते थे, तो आई वॉज ऑल्सो वाइल वर्किंग आई यूज टू गेट 400 to 600, 800 पर डे का वेजेस, यू कैन से पर डे का जो भी फीस जो है मिलता था। तो तब मैंने उन मैनेजर्स को देखा कि वॉट एग्जैक्टली दे आर हैंडलिंग सो सच अ बिग इवेंट और सच, तो तब जाके मुझे समझ आ कि दे आर MBAs एंड दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज एट लार्ज स्केल। सो तब वहाँ से एक थॉट प्रोसेस हुआ कि नहीं, MBA भी ऐसे करते हैं। सो तब से इंटरेस्ट आया कि सेल्स एंड मार्केटिंग में आई शुड परस्यू माई करियर। सो नॉट जस्ट ग्रॉफर्स, आई डिड इट फॉर कैडबरी ओरियो एंड देन ओला, इवन फोस्टर्स बियर एंड पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे इवेंट ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया था थ्रू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो वहाँ पर भी सेल्स के लिए जो बंदा रहता है वो बन गया था मैं। तो बट ये यहाँ पे मिस्टेक थी कि माई फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज कैट 2017, एंड दैट वॉज द ईयर वेन आई वॉज इन माई लास्ट ईयर ऑफ KG सोमाया। तो एक तो 2-3 नाव में मैंने पैर रख दिया था। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एन्जॉय माई कॉलेज लाइफ, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इवेंट्स, एंड देन क्लासेस भी ज्वाइन करे थे, बट फोकस ढंग से नहीं कर पाया। तो कैट 2017 में आई स्कोर 24% कोई भी कॉलेज नहीं मिलती। सो देन I took the first job. It was into B2B sales. It was a architecture company through a reference. So landscape designing company. So I used to go to developers and reach out to them and share our services. So this was into B2B sales, but it was in project based work. So 6 months मैंने काम किया, and second attempt I gave CET Maharashtra CET 2019. तो जिसके through aim होता है GBIMS. So even at CET I took a break, so I was completely studying for CET. I got 93% 93% में obvious JBIMS Sydenham College तो नहीं मिलता, but तभी KG सोमाया में ना there was a गुज्जू कोटा for MMS program,
मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो उसमें मेरे 6 मार्क्स से रह गया, नहीं तो फिर मेरा 6 लाख में MBA हो जाता कि जो समय में वो टाइम पे। बट प्रॉब्लम हुआ कि नेक्स्ट ईयर से 2020 से केजी समय में वो MMS प्रोग्राम ही बंद कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद मैंने CET दिया ही नहीं। तो आई थॉट कि यार इसमें CET में 93 अगर ला सकता हूँ तो क्या पता फिर से कैट में लेके आ जाऊँ। सो रिजल्ट वॉज अराउंड 31st मार्च 2019 को रिजल्ट आया था, मैंने 1st अप्रैल से जॉब स्टार्ट कर दिया। इट वॉज अगेन अ स्टार्टअप काइंड ऑफ कल्चर फॉर्म, जहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO सर्विसेज B2B क्लाइंट्स को बेचते थे। सो आई वॉज इन टू बिजनेस डेवलपमेंट टीम एंड आई डिड वेल वहाँ पे, इवन आई गॉट प्रमोटेड एंड आई हैड अ टीम ऑफ 5 to 6 अंडर मी। सो वहाँ पे बहुत सीखा बिकॉज आई यूज टू डू ऑफलाइन मीटिंग्स डेली, 3 क्लाइंट्स को मीटिंग करना एंड यूज टू सेल अ प्रोडक्ट ऑफ रेंजिंग 40,000 to 1 lakh at one or two meetings as well. So this was my second job. While I was doing this job, I gave a CAT 2019 again, but job ke saath hi main kar raha tha. So I again scored 61 percentile. Kam nahi, matlab nahi aaya 61 percentile mein kya hi milta mujhe, koi college nahi milta acha. So maine socha ki next year dunga. But next year COVID aa gaya. So COVID se mera job bhi chala gaya. बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ अ सिचुएशन, स्टार्टअप काइंड ऑफ था, तो जॉब भी चला गया एंड फिर वो टाइम पर तो ऐसे ही अनसर्टेनिटी थी कि आगे क्या ही करें। सो आई डेंट गिव कैट, जॉब भी नहीं था मेरे पास, सो कैट तो नहीं दिया 2020 का। बट देन आई जॉइंड एन इंश्योरेंस कंपनी ICICI Lombard. आई रियली थैंक ICICI Lombard बिकॉज वो 18 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज जस्ट सरियल। बिकॉज अब तक मैंने स्टार्टअप्स में काम किया था बट अभी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा था। I was into customer retention management. I was into digital sales team. So, जो भी clients business insurance purchase करने आते थे, so I used to connect them and help them to reach out to the final destination. Obviously, help them to purchase. Based ना था मुझे product. यहाँ पे मैंने VPs, AVPs से भी connections हुए. Even I had a connections with MBAs who were selling the same kind of product, but उनके volume driven नहीं होते थे. मेरे volume driven products होते थे. उनके क्वांटिटी मतलब वैल्यू प्राइस ऑफ मनी ज़्यादा रहता था, मेरा वैल्यू प्राइस ऑफ मनी कम होता था। बट वहाँ से फिर से लगा कि यार अभी कॉर्पोरेट में ग्रो करने के लिए मुझे MBA करना पड़ेगा। तो अगेन 2021 आई गेव कैट, 84% आई स्कोर्ड एंड गेस व्हाट, मीनवाइल मुझे पता चला कि आई ऑल्सो कम इनटू कैटेगरी ऑफ OBC। सो 84% आई में यू गेट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम BBIIMs. Even I got call from IIM Indore for HRM program, IIM Kozhikode for LMS program. So ये सारे programs थे, बाकी सारे BBIIMs के भी call आ गए थे and even IIM Rohtak का I didn't converted, even IIM Kozhikode का LMS program I didn't converted, बाकी सारे BBIIMs का call I converted, even interviews convert करके admissions भी offer हो गए थे। बट यहाँ पे स्टार्ट मतलब प्रॉब्लम ये था कि आई हैड अ OBC बट देर इज़ अ नॉन क्रीमी लेयर वेर योर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 लाख विच वॉज, बट आई वॉज लिविंग इन मुंबई फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, बट माई कास्ट बिलोंग टू गुजरात, सो मेरा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, उस कारणवश मैं किसी भी IIMs में एडमिशन नहीं ले पाया। बट I had an option, मैंने 2-3 options रखे थे, one is Nirma which was converted, दूसरा option मैं Wellington रखा था कि मुंबई में यह कर लूँगा, but फिर जैसे Nirma convert हो गया था और ये BBIIM से convert हो गए थे, then I thought कि मैंने Wellington का फिर interview भी नहीं दिया था। so इस प्रकार से मेरी journey रही है, तो इतनी fascinating तो नहीं है किसी के लिए, but ये आप लोग relate कर पाओगे जिन्होंने बहुत सारे gaps लिए हैं, बहुत सारे ups and downs हैं। सो इसके लिए मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया था कि व्हेनेवर आई जॉइन अ बी स्कूल आई वुड गिव माय 100% बेस्ट, क्या अगर IIMs में नहीं हुआ तो क्या हुआ। कोई भी बी स्कूल है वहाँ पे जाके तोड़ना है, फोड़ना है एंड अपने आप को उतना बिल्ड करना है कि स्किल्स से वी कैन रूल आउट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आई होप सो आई डू दैट इन द जर्नी नॉट येट स्टार्टेड अगेन एंड हाँ दिस इज वॉट माई जर्नी इज, स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियोकर टिल 9th, गॉट डिसेंट 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, गॉट इंक्लिनेशन टू वर्किंग, 3 साल काम किया एंड देन केम अप टू Nirma यूनिवर्सिटी, थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बहुत प्यारे टीचर्स है वहाँ पर, बहुत सीखा
एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया एंड राइट नाउ रेडी टू जंप इन टू कॉर्पोरेट अगेन. एंड दिस इज़ माई जर्नी. आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक हु आर प्रिपेरिंग फॉर देर एम बी ए जर्नी. एंड हाँ, सबकी लाइफ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती एंड सबकी रेस अलग होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेन यू आर ज्वाइनिंग एनी टीयर टू और टीयर थ्री बी स्कूल एज वेल, तो आप क्या माइंड सेट से जाओ. योर माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शेयर फ्यू अदर वीडियोज एज वेल जहाँ पे फ्यू मिस्टेक्स और आप अवॉइड कर सकते हो अपने बी स्कूल जर्नी में. आई होप यू लाइक इट. डू शेयर योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा और क्या वीडियोज देखना चाहते हो. टिल देन, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू. स्टे सेफ एंड हेल्थी. बाय बाय. डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.